फैक्ट्स एंड न्यूज़ की पोटली में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही पर सुकेश चंद्रशेखर ने यूं ही नहीं लुटाए करोड़ों, अंदर की बात जानिए। जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही से नजदीकी दिखाकर सुकेश चंद्रशेखर अपने कई काम निकलवाने के फिराक में था। शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड अभिनेत्रियों से नजदीकी यूं ही नहीं बढ़ा रहा था, इसके पीछे उसकी सोची समझी रणनीति थी। जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही जैसे एक्ट्रेस को करोड़ों रुपए के तोहफे देकर सुकेश अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। सेलिब्रिटी के साथ तस्वीरों का इस्तेमाल वह अपने टारगेट्स पर धौंस जमाने और उन्हें भरोसा में लेने के लिए करता था। ईडी की जांच में सुकेश चंद्रशेखर के ऑपरेट करने के तरीकों का पता चला है। स्टार पावर का फायदा उठा रहा था सुकेश। सुकेश की जैकलिन के साथ कुछ तस्वीरें हैं जिनमें दोनों एक दूसरे को चूमते दिख रहे हैं। ईडी सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सुकेश इन सेलेब्स से नजदीकी का इस्तेमाल करके और कई डील्स करना चाहता था। जैकलिन व अन्य बॉलीवुड स्टार के साथ तस्वीरों के जरिए वह अपने शिकार को यकीन दिलाता था कि वह बड़ा रसूखदार शख्स है। फिर सुकेश अपना जाल फेंकता था। पहले सुकेश अपने शिकार का भरोसा जीतता और फिर संवेदनशील जानकारी हासिल करके उनसे वसूली करता। जैकलिन के साथ अफेयर का भी था दावा। सुकेश के वकील अनंत मल्लिक ने तो यहां तक दावा किया था कि जैकलिन और उनके क्लाइंट्स एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। हालांकि जैकलिन के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में इस दावे को गलत करार दिया है। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश मुख्य आरोपी है। इसी केस की जांच करते करते ईडी जैकलिन और नोरा फतेही तक पहुंची। दोनों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। हालांकि दोनों का दावा है कि उनका सुकेश से कोई लेना देना नहीं है और वे पीड़िताएं हैं। ईडी के अनुसार सुकेश और जैकलिन के बीच जनवरी 2021 से बातचीत शुरू हुई थी। तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए भी सुकेश फोन पर जैकलिन से बात किया करता था। जमानत पर रिहा होने के बाद सुकेश ने जैकलिन के लिए चार्टर फ्लाइट्स बुक की थी। दोनों चेन्नई के एक होटल में साथ रुके थे। वायरल सेल्फी तभी की बताई जा रही थी। सुकेश ने जैकलिन को महंगे महंगे तोहफे दिए, इनमें से 52 लाख रुपए का घोड़ा, 9 लाख रुपए की पार्शियन बिल्ली भी शामिल है। फरवरी में जैकलिन ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिनमें ये गिफ्ट देखे जा सकते हैं। जैकलिन को 10 करोड़ के तोहफे, नोरा को BMW। ईडी के अनुसार सुरेश और जैकलिन के बीच 4 मुलाकातें हुई थी, चारों चेन्नई में। उसने जैकलिन को ज्वेलरी, क्रॉकरी, 4 पार्शियन बिल्ली, 52 लाख रुपए का एक घोड़ा भी गिफ्ट किया। ईडी के अनुसार सुरेश ने जैकलिन के रिश्तेदारों को भी कई बार अच्छी खासी रकम ट्रांसफर की। नोरा फतेही को एक BMW कार देने की बात सुकेश के वकील ने भी कही है। अगर आज के हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है या आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज हमारे चैनल फैक्ट्स एंड न्यूज़ की पोर्टली को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।